हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने लगी हूँ 18th। ओके, शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। क्योंकि मैं स्टेटमेंट वाले को इसलिए करवा रही हूँ कि पीछे भी हमने स्टेटमेंट वाले किए हैं, तो लेट अस डू द मिसलेनियस क्वेश्चन फर्स्टली बेटा। तो मेरे पास हाँ जी, तो मेरे पास मैंने वॉल्यूम जो है सिलेंडर का मैक्सिमाइज करना है। आप देखिए यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम उसने मुझे कहा है कि मैक्सिमाइज कीजिए, विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन। ओके जी, जो एक कोन पे अंदर है ऑफ हाइट h मेरे पास हो गए, दैट मींस हाइट ऑफ द कोन ये मुझे दी हुई है कैपिटल h। कंप्लीट, ओके बेटा। एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। मेरे पास हो गए ये एंगल अल्फा दिया हुआ है और उन्होंने कहा है इज 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is this। हमें सबसे पहले उसने कहा है कि जो height of the cylinder है ना वो किसके equal है, height of the cone के 1/3 के equal। एक तो मैंने ये proof करना है, होगी बिल्कुल वही मैं तो अब बेटा मेरे पास हो गए यहाँ पर साथ में मैंने प्रूफ करना है कि जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है वो 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, मुझे ये प्रूफ करना है। ओके बेटा, तो क्लियर कट है यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल की बात हो रही है, तो दैट मींस मैं सब कुछ किसमें कन्वर्ट कर दूं, अल्फा में कन्वर्ट कर दूं। क्योंकि अगर आप देखो एंगल में भी मेरे पास जो है वो अल्फा में कन्वर्जन हो सकती है, बट यहाँ पर दिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट, दैट इज फिक्स ना, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, तो यानी मैं सब कुछ अल्फा में कन्वर्ट नहीं करूंगी, वो तो कॉन्स्टेंट ही है। तो मेरे पास जो है बेटा किसमें कन्वर्ट करूंगी, अगर मैं यहाँ पर ये एक्स ले लो, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल किसका है, कोन का है, मैंने तो वॉल्यूम किसका मैक्सिमाइज करना है, सिलेंडर का मैक्सिमाइज करना है, तो सिलेंडर में तो मेरे पास अल्फा नहीं ना आ रहा है, इजी। तो मैंने क्या कर दिया, सिलेंडर की हाइट ले ली एक्स, अब मेरे को चाहिए रेडियस की बात हो, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखू बेटा वो पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस स्क्वायर इंटू एच होता है कि नहीं होता। अब क्लियर कट अगर मैंने ये आर स्मॉल ले लिया, सपोज मेरे पास हो गया ये, यहां से ये कितना पार्ट होगा मेरे पास, जस्ट वेट बेटा, हाँ जी बेटा, इतना पार्ट एच माइनस एक्स हो गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहां से मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकती हूँ, कैसे, ये पी है ये बी है कि नहीं, तो पी बाय बी ये क्या हो गया टेन अल्फा, तो आर कितना आ गया एच माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा। ओके जी, एच कॉन्स्टेंट है मेरे पास दिया हुआ है, वेरिएबल क्या रह गया एक्स, क्योंकि अल्फा भी क्या है कांस्टेंट है, दैट इज गिवन टू मी। तो अब बेटा मैं यहाँ पर जो है सिलेंडर की, यहाँ मैंने हाइट वैसे वर्ड लिखा है एच नहीं आएगा, अब पाई आर स्क्वायर मेरे पास है, दैट इज एच माइनस एक्स टेन अल्फा, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर वो मैंने क्या लिया था एक्स, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब देखो किस वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, सब कुछ एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे मर्जी करो,
बस आपने एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना, यानी अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगी, एक्स के डिफरेंशिएट करूंगी, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगी, एक्स के, एट बी कॉन्स्टेंट, अल्फा भी कॉन्स्टेंट, फिगर सही होगी, सब कुछ लिखा होगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर, ठीक है। अब आगे हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेन होता ये बनाना, ठीक है। तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, कहते हो तो मैं कर देती हूँ, आई एम रबिंग दिस, ये आगे जरूरत पड़ सकती है, चलो फिगर रब कर देते हैं, लेट अस सी। हाँ जी, वी पाई एच माइनस एक्स होल स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा, मैं आगे लिख देती हूँ, और एक्स, क्योंकि ये सारा अब वी डैश एक्स पाई टैन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, पावर आगे जाएगी, एक पावर कम हो गई और साथ में इसका आएगा माइनस वन, वो मैंने यहां लगा, ओके जी, क्लियर। इसको अब मैं सिंप्लीफाई कर लूं जितना कर सकती हूं, पाई टैन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, हाँ जी माइनस टू एच एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा ना भी बनू, सीधा मेरे फैक्टर भी बन रहे थे, देखो मुझे ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं एच माइनस एक्स कम, क्योंकि अल्टीमेटली तो फैक्टर ही बनाने हैं ना, तो ओपन ना ही करें तो बेटर है, हम कॉमन फैक्टर लेंगे। देखिए तो मैंने कॉमन लिया एच माइनस एक्स, अंदर क्या रह गया, एच माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो मेरे पास पाई टैन स्क्वायर अल्फा एच माइनस एक्स, और मेरे पास जो है एच माइनस थ्री एक्स। अब क्या करती होती हैं, इसको इक्वल टू जीरो पुट करती है ना, जब मैंने इक्वल टू जीरो पुट किया तो मेरे पास बेटा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये तो खत्म ही हो गया, तो यहां से h इज इक्वल टू एक्स आया और थ्री एक्स आया। उसने कहा कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम, एक कोन के अंदर सिलेंडर है ना, तो दोनों की हाइट कभी भी सेम हो ही नहीं सकती, तो दैट मींस ये वाला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास x इज इक्वल टू वन बाय थ्री एच। पहला यही करना, कब, जब वॉल्यूम क्या है, ग्रेटेस्ट है, अब ये निकल गया, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसमें एक्स एच की वैल्यू क्या पुट करो, थ्री एक्स पुट कर दो, या एक्स की वैल्यू एच बाय थ्री पुट कर दो, क्योंकि एच कॉन्स्टेंट है ना, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, एच बाय थ्री, तो आप पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसका डबल डेरिवेटिव ले सकती हूँ, करूं मैं, ठीक हो जाएगा, कर दू, हाँ जी हो जाएगा पक्का, ठीक है जी। तो यहां से फिर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में वो वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप ये आंसर आएगा, ओके, वेरी इजी। बस ये अब यहाँ पर याद रखना है कि एक वेरिएबल में एच और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये नहीं समझ आ रहा ना, इसको कांस्टेंट क्या गिवन है, जो चीज गिवन होती है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, इससे प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट अस डू द प्रीवियस क्वेश्चन नाउ, द क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखो क्लियर कट जो है यहां पर उसने मुझे दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैंने मैक्सिमाइज करना है। ये चीजें पहले लिखो जो है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, यानी अब जो सिलेंडर है ना वो किसके बीच में है, स्क्वायर के बीच में, स्फीयर, सॉरी हाँ स्फीयर है बेटा, ठीक है। मैंने प्रूफ करना है जो हाइट है वो टू आर बाय रूट थ्री है, और स्फीयर का रेडियस मुझे जो है वो कैपिटल आर दिया होगा, दैट इज गिवन टू, फाइंड द मैक्सिमम
वॉल्यूम ऑल्सो। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर जो भी हाइट है सिलेंडर की, वॉट एवर इट इज, अगर वो स्फीयर के अंदर है ना, यानी एक बॉल के अंदर है, स्फीयर मतलब बॉल, तो याद रखना हाफ हाइट ऊपर होगी, हाफ हाइट नीचे होगी। रीजन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था कोण के, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्फीयर में क्या ट्रिक लगना है, एच बाय टू ऊपर, एच बाय टू नीचे। उसका बेनिफिट क्या हुआ, ये आर मुझे गिवन है, एच मैंने लिया है, आई कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, जो है इसको स्मॉल आर ले ले, तो स्मॉल आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय फोर, दैट आई कैन यूज, क्योंकि मुझे चाहिए, क्लियर कट है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है और वेरिएबल एच में कन्वर्ट कर दिया मैंने सब कुछ। तो अब जब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लूंगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास क्या होता है, पाई रेडियस स्क्वायर और हाइट, पहले ऐसे लिख लिया करो, गलती नहीं होती है। अब पाई, हाँ जी, रेडियस आर स्क्वायर ना, स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू ली है, क्या लिया मैंने, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय फोर इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल एच में। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगी, स्मॉल एच के। तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया, ये लीजिए, दैट इज प्रोडक्ट रूल लगा ले, आपकी मर्जी है, अगर आपने ऐसे करना है ऐसे करो। हाँ जी, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी, आर स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर बाय फोर। ओके जी, टाइम अगर आपको लगता है डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लेना इजी है, साथ ही ले लेते हैं, जीरो माइनस सिक्स एच बाय फोर आ गया। अब क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करें, तो जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट किया, तो मेरे पास बेटा क्या आ गया, देखिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू जीरो। ये पाई उधर जाके जीरो, आर स्क्वायर थ्री एच स्क्वायर बाय फोर, तो आर प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू एच, बट आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है, जो है रूट थ्री बाय टू एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, टू आर बाय रूट थ्री। अरे आधा पार्ट तो नजर आ रहा है ना कि प्रूफ हो गया, इसी पे करना है ना, बट इस पे क्या शो करना है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम। तो उसके लिए मैं क्लियर कट डबल डेरिवेटिव की यूज करूं, जब मैंने डबल डेरिवेटिव यूज किया, v डबल डैश h की वैल्यू 2r बाय रूट थ्री, और क्या आया मेरे पास, माइनस पाई बाय फोर, सिक्स भी था, और h की वैल्यू मैं पुट करूंगी 2r बाय रूट थ्री, ये कैंसल, और मेरे पास जो है माइनस, जो है ये थ्री हो गया, हाँ जी, रूट थ्री पाई आर, ये लेस देन जीरो, देयरफॉर मैक्सिमम व्हेन एच जो है वो किसके इक्वल, टू आर बाय रूट थ्री के इक्वल। ओके जी, एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसने क्लियर कट कहना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर व्हेन The volume is to be maximized. आ सकता है कि नहीं, तो रिलेशन क्या होगा कि मेरे पास h is equal to 2r by root 3, बन सकते है कि नहीं बन सकते, तो वो जब बच्चा सारा निकालेगा, यहां हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आपको स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं आपको स्पीड, और जो बच्चे लर्न कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैंने सिलेंडर को सफेयर में रखना है तो रिलेशन लर्न कर लो, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो रिलेशन क्या है, एच इज इक्वल टू टू आर बाय रूट। बेटा अगर टाइम सेव करना है तो लर्न द रिलेशन, यही कर सकते हैं।
बाकी एक आधे दिन में बेटा सैंपल पेपर आ रहा है, माइट बी आज ही आ जाए। सीबीएसई इज गिविंग द सैंपल पेपर, तो देन वी कम टू नो कि क्या वो सोच रही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इफ एफ इज अ फंक्शन मेरे पास डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हियर इट इज गिवन इन द 16th क्वेश्चन दैट इज इट इज अ क्लोज इंटरवल। ओके तो ए बी सच दैट मेरे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, देन प्रूफ दैट। अब यहाँ प्रूफ नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स इज जो है डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स इज जो है इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास है उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमेशा किस पे डिफाइंड करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी। तो प्रूफ करने की कोई जरूरत है ना, तो ये ट्रिक्स हमें खुद बनानी है अपने, क्योंकि प्रूफ वाले तो आना ही नहीं है, तो सिर्फ ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए। इज इट क्लियर, डेफिनेशन सही क्लियर हो गया ना। ठीक है तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रूफ रिलेटेड विद दैट। ओके चलिए जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 15 तो देखिए बेटा, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द ऑल्टीट्यूड जो है ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम मेरे पास हो गए। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन मेरे पास, ये हाइट की बात की गई है क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा हाइट होता है, स्लांट हाइट नहीं होता। तो उसने कहा है कि ऑल्टीट्यूड दैट मींस एच जो ले रहे हैं, मैं मान लीजिए इसको स्मॉल एच डिफाइन करती हूँ, तो ऑल्टीट्यूड कब, जब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, दैट मीन्स आर क्या गिवन, दैट इज गिवन टू अस, स्मॉल आर इज गिवन टू अस। अब उसने कहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो वॉल्यूम सॉरी ऑल्टीट्यूड जो है वो 4r/3 है। ये देखा जाए ना तो बिल्कुल वो सिलेंडर जैसा क्वेश्चन ही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम देखें ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है कि नहीं, ये पूरी एच है, अपने आप दिमाग चलेगा ना, ये एच माइनस आर। अगले वाले में जब सिलेंडर था ना तो हमने नीचे वाले को एक्स लिया था, तो अपने आप ऊपर एच माइनस एक्स हो गया था, या ऊपर वाले को एक्स ले लिया तो नीचे एच माइनस एक्स हो गया। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, ठीक है ना। तो ये अपने आप निकल आएगी, आर निकल आएगा ना। तो अब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है किसका, कोण का, 1/3 π r² और h। अब मैं आर स्क्वायर कोण का ये है ना मेरे पास, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर। देखो हमने भी पेपर में शॉर्टकट ऐसे ही कर लिया, पूरा थोड़ा लिखेंगे। अब हाइट क्या है, h किस वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, सारा कुछ h में हो गया ना, स्मॉल आर कांस्टेंट है। अब ये बिल्कुल h के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, पहली बार दूसरी बार अपने आप एक फैक्टर ये बनेगा। अगर आपको एक और तरीका बताऊं, पता है जो फैक्टर बना है ना, ये 3h-4r ऐसा फैक्टर बन रहा है ना, जितने भी बने हैं उनमें से देख लो कौन सा फैक्टर है, तो वहां से भी कुछ हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ डेरिवेटिव करो, यहाँ आप पुट करके देखना जो भी 3 या 4 वैल्यूज दी हैं कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वही होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में ये आप एच पुट करके आप देख सकते हो, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 आ रहा है मान लो, हाँ एक ये आ रहा है मान लो ऐसे आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये करेगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0 करके निकालते हैं ना,
तो वो सेटिस्फाई करता ही करता है। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। ओके जी, समझ आ गई बेटा? हो जाएगा ना आगे क्वेश्चन? अभी किसी को लगता है तो मैं पूरा करवा देती हूँ, पक्का चले आगे? चलिए बेटा, कम टू नेक्स्ट बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। देखिए सिर्फ मेन मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अच्छा, अगर ये केस स्टडी में क्वेश्चन आए ना तो उसमें चार पार्ट्स अपने आप बन जाते हैं। केस स्टडी भी तो आनी है ना, आ सकती है आपको, तो केस स्टडी में अपने आप चार। पहला वो कहेगा विच फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज, इसको करना है ना, ये भी ऑप्शन में दिया होगा। फिर व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, वो जो आप एफ वी डैश एच इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, विच क्रिटिकल पॉइंट इज टू बी यूज, एक ही यूज होता है ना, कोई एक रिजेक्ट भी तो हो जाता है ना, तो वो लिखना। फिर व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वो पूरा क्वेश्चन जो डायरेक्टली चार नंबर में आता था, यहाँ फोर स्टेप एमसीक्यू फॉर्म में आ। ओके, आई विल सेंड यू द केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, पढ़ी है मेरे पास, ठीक है, क्लियर? बात समझ आई सबको? चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। वंस द सिलेबस इज कंप्लीटेड ना, तो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको हम क्वेश्चंस ही सेंड करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए एग्जांपल 14 कह रही थी कि बहुत इजी है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। हाँ जी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5, क्या करते होते हैं हमारे पास? तो बहुत इजी, पहले डेरिवेटिव लेते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट भी लेने होते हैं और ये एक्सट्रीम पॉइंट्स भी लेने होते हैं। सब पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फंक्शन की वैल्यू, नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड। तो जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पे सबसे कम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमा, बस हो गए जाए। चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। अब यहां पर एक बात समझाना चाहती हूँ, मैं आगे भी समझा चुकी हूँ, बट लेट अस टेल यू द वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस। हाँ जी, क्वेश्चन 13, फाइंड द पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू पावर 4 और एक्स प्लस 1 पावर 3 जो है, उसने कहा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यहां पर प्रॉब्लम पता क्या आती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही फेल हो जाता है। हमें पता है ना, इतने साल से करवा रहे हैं, हमें आपको करके दिखाते हो। एफ डैश एक्स निकालो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या करें, सबसे पहले कॉमन ले लें, है ना, एक्स प्लस 1 की पावर 2 और एक्स माइनस 2 की पावर 3, तो मेरे पास क्या बचा, 3 एक्स माइनस 2 प्लस 4 एक्स जो है प्लस 1। ओके, 3 पावर चलेगी ना बेटा, यहां से 2 चली गई, 1 रह गई, ये एज इट इज पूरा चला गया। ओके, तो मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, 3x प्लस 4x 7x, ये माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। ओके बेटा, अब क्या करें, इक्वल टू 0 ले। जब मैंने इक्वल टू 0 लिया तो मेरे पास जो है x की वैल्यू माइनस 1 और मेरे पास x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2/7। अब जरा डबल डेरिवेटिव लो। हाँ जी, डबल डेरिवेटिव लोगे ना, यहाँ पर कुछ भी बने, डबल डेरिवेटिव 3 फंक्शंस का लेना आता है ना, पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लेफ्ट टर्म्स का डेरिवेटिव, फिर मेरे पास हो गए
लास्ट टर्म का डेरिवेटिव और फर्स्ट टू एज इट इज करके जो भी आएगा 100%। जब आप क्योंकि हर एक में एक्स प्लस वन कहीं ना कहीं तो आएगा ही ना, एक एक वैल्यू तो आएगी ना, जब आप करोगे ना तो माइनस वन पे फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। ऐसे ही टू पे भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही टू बाय सेवन पे भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रिकॉल कर रही हूँ। क्या करते होते हम, ऐसे लाइन बना लेते थे, है ना, बिल्कुल जंप रूल नहीं, हम यहाँ पर माइनस वन के थोड़ा सा कम, देखो थोड़ी सी कम वैल्यू, माइनस वन पॉइंट वन ले लो। जब मैं वन पॉइंट, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, स्क्वायर है, इसको माइनस लूंगी तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहां पर देखो तो ये जो है माइनस लेंगे ना तो ये भी नेगेटिव आई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर आ गया प्लस। अब इससे थोड़ी सी आगे को, जब आगे को वैल्यू लोगे माइनस 0.9 ले लू, ठीक है, माइनस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस इसमें मेरे पास आएगी, नेगेटिव ही आएगी, इसमें भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नो चेंज, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसे ही अगला पॉइंट देखो, ऐसे ही उससे नेक्स्ट देखो, याद आ गया ना ये, क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैक हैज नॉट ज्वाइन विद द माइक। चलिए बेटा नेक्स्ट, बेटा मेरे पास जो है इससे पिछला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि फर्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है ना दैट आर क्वाइट इजी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली कर पाओगे। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस A and B from the side of a triangle. अब उसने क्या कहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट है मेरे पास जो है हाइपोटेन्यूज पे, वो पॉइंट ऐसा है कि उसने कहा कि वो एक्सिस से या दोनों साइड से A और B डिस्टेंस की दूरी पे, यानी अगर मैं ये A और ये बी, तो ये पॉइंट मेरे पास अपने आप ए बी बन गया, ठीक है, दूरी पे। अब उसने कहा है कि शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मैंने हाइपोटेन्यूज की लेंथ को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो दैट मींस मेरे पास हो ए बी सी, लेट इट बी पी एल एम, आप जो मर्जी ले लो, इसको बी इधर देखो, मैंने मिनिमाइज करना है ए बी को, दिस इज माय एम, और मिनिमम करके बताना है कि इसकी लेंथ जो है ना 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, मेरे दिमाग में एक क्या चीज सेट है, अगर ये पूरी लेंथ को मैंने मिनिमाइज करना है, मुझे यानी मेरा एम जो फंक्शन है वो क्या है, बी पी प्लस पी ए, मुझे कोई एक वेरिएबल चाहिए, ए भी कांस्टेंट है, मैंने अपने दिमाग में पता क्या सोचा, मैं इसको थीटा ले लेती हूं 100%, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये भी 90 है, इतने ट्रायंगल में बेटा मुझे बी दिया हुआ है, मैंने ये निकालना है, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि नहीं, पाइथागोरस सॉरी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेंथ में हमने की, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, पी ओवर एच मेरे पास होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बी है और एच मुझे निकालना है, दैट इज पी बी, दैट इज साइन थीटा,
और बी पी कितना आ गया, बी ओवर साइन थीटा, मैं बी को सीकेंट थीटा लिख दू, लिख सकती हूँ कि नहीं, ऐसे ही आ जाओ इस ट्रायंगल में, ये 90, अब ये ट्रायंगल लेटी हुई है ना, ये ए है और मैंने निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, और ये हाइपोटेन्यूज, फिर वही कॉन्सेप्ट तो वही लगने, तो मैं क्या करूं, पी बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा, यहां बच्चे गलती करते हैं वो थीटा ही लिख जाते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, जो है दैट इज कॉस थीटा, तो मेरे पास ए की वैल्यू, सॉरी पी ए की वैल्यू ए सीकेंट थीटा बच जाएगी, आ गया ना, सारा कुछ किसमें चेंज हो गया, एक ही वेरिएबल में, कौन सा थीटा, तो दैट मींस यहां पर अब बेटा मैं फंक्शन जो गे बीपी बी कोसेकेंट थीटा प्लस ए सेकेंट थीटा, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बस जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना, हमने भी अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से ये लर्न किया हुआ है कि इस क्वेश्चन में ऐसे होना है कि अगर मैं दूसरे तरीके से करूंगी तो लंबा हो सकता है, तो बेटर क्या है, हम एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल वाला जिसके अंदर स्क्वायर बनना है तो एक थीटा ले लो बस, और वो जरूरी नहीं है मैंने यहाँ थीटा लिया तुम यहाँ थीटा ले लोगे, ये 90 माइनस थीटा बन जाए, लिटिल बिट चेंजेस आर देयर, और मैंने कुछ याद नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने इतना ही याद किया हुआ है कि इस क्वेश्चन में मैंने थीटा लेना है बस, नथिंग एल्स, और दो ट्रायंगल यूज होनी है, अपने आप मेरा फंक्शन बन जाए, मैं आपको बार बार कहती हूँ इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा क्वेश्चन नहीं अड़ता है, कई बार हम भी इस क्वेश्चन में अड़ जाते हैं किसी भी, पर हम रिकॉल करते हैं कि इतने क्वेश्चन में हमने कौन सा स्टेप लगा सकते हैं, तो हम उससे निकाल लेते हैं, दिस इज बाय आवर ओन एक्सपीरियंस, आप भी बार बार करोगे आपके दिमाग में सेट हो जाए, ओके बेटा क्लियर, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा, ओके बेटा ट्राई टू कंप्लीट दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, टुमारो आई विल आस्क यू द प्रॉब्लम, ओके अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द रिलेशन फंक्शन, क्लियर क्लियर बेटा।